हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताती हूँ, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, वीरे, फोटोशॉप, स्केचअप। आज ऑटोकैड के बेसिक सीरीज में अभी ट्रिम क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। अभी जैसे सपोज ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये मैं ट्रिम कर सकती हूँ। और ट्रिम TR Enter, ठीक है। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये ट्रिम हो गया, ठीक। अभी मुझे यही चीज एक्सटेंड करनी है, एक्सटेंड के लिए EX Enter क्लिक किया, एक्सटेंड हो गई। ओके, रेक्टेंगल कमांड में देखा था कि रेक्टेंगल को हम लोग फिलेट और चैम्फर कर सकते हैं, तो अगर वो नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अब जो मैं बताने जा रही हूँ। पर अगर मुझे सपोज अलग से इसको फिलेट करना है, रेक्टेंगल मैंने बना लिया है बट अब मुझे अलग से फिलेट करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ कमांड है फिलेट चैम्फर, और ट्रिम और एक्सटेंड का कमांड यहाँ पे भी है। फिलेट का शॉर्टकट है F एंटर किया। देखो फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो F एंटर करके पहले हम लोग रेडियस देख लेते हैं। रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस सपोज दे दी 2, तो ये फिलेट हो गया। बट अभी मेरा एक बार फिलेट करने के बाद ये कमांड ऑफ हो गया, तो क्या करूँ, वापस मैं एंटर किया मल्टीपल। अगर मैंने मल्टीपल कमांड ले लिया तो ये मल्टीपल टाइम्स के लिए ये मेरा ऑप्शन ऑन रहेगा। फिर अगर अभी फिलेट वापस एफ एंटर किया मैंने, अभी देखो यहाँ पे पॉली लाइन है, अगर मैंने पॉली लाइन पे क्लिक कर दिया और इसको क्लिक कर दिया तो एक साथ सब फिलेट हो गया। अभी वापस से मैंने एफ एंटर किया और इस बार मैंने ट्रिम जो है इसको मैं नो ट्रिम कर दी, तो बाय डिफॉल्ट ट्रिम ऑन रहता है, अभी मैंने नो ट्रिम कर दिया, तो ये जो पार्ट है वो ट्रिम नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा ट्रिम है वो हमेशा ऑन रहता है, ये जो अननेसेसरी एजेस हैं उनको वो ट्रिम कर दे, ठीक है। फिर अभी चैम्फर के लिए शॉर्टकट है CHA Enter किया। अभी देखो जो मुझे स्क्रीन को मैं पैन कर रही हूँ ना, इस स्क्रोल को प्रेस करके ऐसे पैन कर सकती हूँ ना, P Enter करके भी पैन कर सकती हूँ। चैम्फर के लिए CHA Enter किया, ठीक है। जैसे हम लोगों को फिलेट में रेडियस देनी होती है, वैसे चैम्फर में हम लोगों को डिस्टेंस देनी होती है। डिस्टेंस पे क्लिक किया, सपोज मैंने 5 और एंटर, 5 एंटर, रेडियस हम एक बार देते हैं, डिस्टेंस हम 2 बार देते हैं, ये ऐसे चैम्फर हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैंने ट्रिम सेम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, नो ट्रिम किया तो ये पार्ट ट्रिम नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए जो हमारा जो ट्रिम है वो ऑन रहता है। ये मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ जिसका शॉर्टकट है REC, ये पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो ट्रिम जो है हमारा ऑन रहता है, ये कट जाता है। अभी इसमें भी हम पॉली लाइन करेंगे तो सब एक साथ हो जाएगा चैम्फर। अभी देखो मैंने CHA Enter किया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया, एंगल में मैंने पहले तो लेंथ डिफाइन की, जो चैम्फर है उसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने 5 दे दिया और अभी मैंने एंगल दे दिया 45, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी जो लेंथ है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, अलाइन कमांड से। जो भी टिल्टेड लाइन रहती है उसको हम लोग अलाइन कमांड से मेजर करते हैं, ठीक। अभी वैसे अगर हमें एंगल मेजर करना है तो यहाँ पे एंगुलर, तो ये 45 इधर आ गया और ये इसकी लेंथ हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। नॉवल है एक मेरी, लाइफ हैपेंस, इंस्पिरेशनल नॉवल है, रोमांटिक है, कंटेम्प्ररी है, के पॉप रिलेटेड है। इसके कुछ चैप्टर अमेजोन पे फ्री हैं, तो पढ़ के देख सकते हो, अच्छे लगे तो कंटिन्यू कर लो। इसकी जो ई बुक का प्राइस सिर्फ 150 है। कुछ डाउट रहेगा तो ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है, यहाँ मुझे DM कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye-bye.